नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर विलयन का पार्ट 2 बताऊंगा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है इसमें विलयन की सांद्रता, यानी कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो इसमें यह बताया गया है कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में, या फिर आप ये बता सकते हैं कि विलयन की प्रति इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ध्यान दीजिए, विलयन में आपको बताया गया था कि विलयन जो होता है वो विलायक और विलेय दो चीज़ों से मिलकर बनता है। विलयन विलायक और विलेय से मिलकर बनता है। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि जो विलयन होता है उसकी प्रति इकाई मात्रा में जो विलेय की मात्रा होती है उसे हम लोग बोलते हैं विलयन की सांद्रता। याद रखिएगा कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में जो विलेय की मात्रा उपस्थित होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, विलयन की जो सांद्रता है इसको व्यक्त करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको सभी विधियां जो है एग्जाम्पल के द्वारा बताई जाएंगी। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो अब ध्यान दीजिए, इसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता, या फिर ध्यान दीजिए इसे लिखते हैं W/W प्रतिशत। याद रखिएगा, यहाँ पर W/W का मतलब वेट बाई वेट। अब ध्यान दीजिए, वेट बाई वेट का मतलब क्या है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, पहले इसमें परिभाषा क्या दी गई इसकी। लिखा गया इसमें कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उससे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो अभी आपको बताया गया था विलयन की सांद्रता में कि विलयन जो होता है वो विलायक और विलेय दो चीज़ों से मिलकर बनता है। तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में जो विलेय की मात्रा होती है उसे हम लोग विलयन की सांद्रता बोलते हैं। तो वही इसमें बताया गया कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, यानी कि जो विलेय पदार्थ आपको मिलाना है उसकी ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले आप द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र, तो ध्यान दीजिए इसे हम लोग वेट बाई वेट प्रतिशत, या फिर लिखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ध्यान दीजिए इसका सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान, और इसके बाद यहाँ पर और बटे में होता है विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर याद रखिएगा, विलेय और बटे में होता है विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान इस प्रकार, और गुणे में लिखते हैं इसमें 100 इतना। तो ये यहाँ पर जो है द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। ध्यान दीजिए, इसीलिए इसको लिखते हैं वेट बाई वेट प्रतिशत, यानी कि विलेय का द्रव्यमान और बटे में लिखा गया है विलयन का द्रव्यमान, इसलिए वेट बाई वेट प्रतिशत या फिर द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले जैसे कि मान लीजिए कोई विलेय लिया गया है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं 8 ग्राम विलेय। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 ग्राम विलेय है, और इस 8 ग्राम विलेय को जो है 80 ग्राम विलायक में मिलाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 ग्राम विलेय है जिसको 80 ग्राम विलायक में मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो विलेय है वो भी आपको ग्राम में दिया गया है, और जो विलायक है वो भी आपको यहाँ पर ग्राम में दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों के द्रव्यमान दिए गए हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। याद रखिएगा, दोनों के यहाँ पर द्रव्यमान दिए गए हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। और इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन को अगर इसके आएंगे तो हल करते समय याद रखना है, अगर द्रव्यमान आप ग्राम में यूज कर रहे हो तो विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान दोनों के द्रव्यमान जो होंगे वो ग्राम में यूज किए जाएंगे, और अगर आप विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में यूज करोगे तो विलयन का द्रव्यमान जो होगा वो भी किलोग्राम में ही यूज किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दोनों के द्रव्यमान जो होंगे
वो मात्रक समान होने चाहिए। दोनों के मात्रक अगर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में तो विलयन का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए, अगर विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में तो विलयन का द्रव्यमान भी किलोग्राम में होना चाहिए। तो आपको बताया गया था कि जो विलयन होता है वो विलयन हमेशा विलेय और विलायक दो चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी कि विलेय और प्लस विलायक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया था आपको 8 ग्राम विलेय को जो है 80 ग्राम विलायक में मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका विलेय 8 ग्राम हो गया सीधे सीधे, लेकिन अगर हम लोग को विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना हो, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ से हम लोग लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, तो जब विलेय का द्रव्यमान लिखा जाएगा तो विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर हो जाएगा 8 ग्राम। इसके बाद आपको क्वेश्चन में जो सूत्र बताया गया था उसमें विलयन दिया गया था, तो अगर आपको यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान लिखना होगा तो विलयन का द्रव्यमान लिखते समय याद रखिएगा यहाँ पर विलेय प्लस विलायक दोनों के द्रव्यमान, यानी कि 8 और प्लस 80 बराबर मिला के हो जाएगा यहाँ पर 88 ग्राम। तो इस प्रकार आपको पहले विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना है, और जब ये दोनों द्रव्यमान इस प्रकार से ज्ञात हो जाएंगे तो आप द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि इससे अब आप लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान यानी कि ये हो जाएगा 8 ग्राम, और इसके बाद यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान यानी कि 88 ग्राम इतना हो जाएगा, और फिर गुणे यहाँ पर 100 इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर ग्राम से ग्राम जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो प्रतिशत में आएगा। तो इस प्रकार से आप द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल दिया गया कि 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 15 ग्राम NaCl को जो है 150 ग्राम जल में घोला गया है, और आपको बताया गया था कि विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, यानी कि NaCl यहाँ पर विलेय है और जल जो है वो विलायक है। तो यहाँ पर आपको इसमें ध्यान दीजिए, पहले विलेय का द्रव्यमान दिया गया है, तो इससे आप लिखेंगे यहाँ पर विलेय यानी कि NaCl, ये आपको दिया गया है, तो इसका द्रव्यमान, तो यहाँ पर हम लोगों को विलेय का जो द्रव्यमान दिया गया है उसका मान दिया गया है 15 ग्राम, तो ये इतना दिया गया है आपको, और इसके बाद 150 ग्राम जल, तो ये विलायक है यहाँ पर। तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे विलायक, विलायक यानी कि जल, इसका द्रव्यमान आपको यहाँ पर दिया गया है, और इसका द्रव्यमान आपको यहाँ पर दिया गया है 150 ग्राम, तो यहाँ पर ये विलायक यानी कि जल का द्रव्यमान दिया गया है। तो अब इसमें हम लोग पहले विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको लिखना है विलयन का द्रव्यमान, और विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपको विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान को जोड़ना है, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है विलेय का द्रव्यमान और इसके बाद प्लस विलायक का द्रव्यमान, याद रखिएगा यहाँ पर आप हिंदी में इसे लिख सकते हैं पूरा विलायक का द्रव्यमान, बाकी मैंने यहाँ पर 60 में लिख दिया, इसका मतलब विलेय का द्रव्यमान और प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी कि विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है आपको 15 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान दिया गया है आपको 150 ग्राम, इतना दिया गया है। जब आप इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 150 और 15 ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 165 ग्राम, तो ये मात्रा जो होगी वो विलयन की हो जाएगी। तो अब इसमें हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र प्रयोग करेंगे जो अभी आपको बताया गया है, तो यहाँ पर अब हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, यहाँ पर आपको लिखना है विलेय का द्रव्यमान, और फिर बटे में इसमें हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, तो यहाँ पर अब लिखा जाएगा विलयन का द्रव्यमान इतना हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100, तो ये इतना आएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान आपको दिया गया है 15 ग्राम, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15 ग्राम बटी, यहाँ पर ध्यान दीजिए विलयन का द्रव्यमान, इसका मान हो जाएगा
65 ग्राम और गुड़े में हो जाएगा 100, तो ये इतना आएगा। अब इसके बाद इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जब इसको आप यहाँ पर भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए 15 एकम 15 से इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो ये 15 एकम 15 हो जाएगा। इसके बाद इसको भाग करेंगे तो 15 एकम 15 और फिर 15 एकम 15 इतना हो जाएगा, और गुणे 100 ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम लोग 11 से 100 को भाग करेंगे तो 11 से 100 को भाग करने पर इसका मान आएगा 9.09%। तो ये जो होगा ये द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं वेट बाई वेट प्रतिशत, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी विधि है आयतन प्रतिशतता, ये सेम उसी प्रकार से है जैसे अभी आपको द्रव्यमान प्रतिशतता बताई गई थी, केवल उसमें जहाँ पर द्रव्यमान का प्रयोग किया गया था उसमें यहाँ पर आयतन का प्रयोग करना है, बाकी सेम उसी प्रकार से ये भी होगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये है आयतन प्रतिशतता, तो इसे हम लोग लिखते हैं वी बाई वी, यानी कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत, तो ये हो जाएगा आयतन प्रतिशतता। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें केवल द्रव्यमान वहाँ पर यूज करते थे, इसमें आयतन यूज करना है। तो ध्यान दीजिए, आयतन आप मिलीलीटर में भी यूज कर सकते हैं या फिर लीटर में, जैसे इसके पहले अभी आपको बताया गया था द्रव्यमान में कि आप ग्राम या फिर किलोग्राम यूज कर सकते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें परिभाषा में ML यूज किया गया, यानी कि मिलीलीटर यूज किया गया। तो अब ध्यान दीजिए, दिया गया इसमें कि विलेय पदार्थ की ML में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। याद रखिएगा, जो इसके पहले अभी आपको द्रव्यमान प्रतिशतता बताया गया था केवल उसमें ML की जगह पर ग्राम का यूज किया गया था, बाकी सेम उसी प्रकार से है। आपको एक परिभाषा याद करनी है और ये उसी प्रकार से आपको तैयार हो जाएगी। तो याद रखना कि विलेय पदार्थ की ML में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो तो उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग आयतन प्रतिशतता के लिए सूत्र लिखेंगे। तो आयतन प्रतिशतता को हम लोग वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत या फिर आयतन प्रतिशत आप लिख सकते हैं इसे। तो ध्यान दीजिए, इसका जब सूत्र लिखेंगे तो आयतन प्रतिशत बराबर, यहाँ पर जब हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा विलेय का आयतन और बटी विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इतना हो जाएगा और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। ये सेम उसी प्रकार से है, वहाँ पर लिखा गया था विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, और यहाँ पर आयतन प्रतिशत में हो जाएगा विलेय का आयतन और बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर दोनों आयतन दिए गए हैं, विलेय का भी आयतन दिया गया और विलयन का भी आयतन, इसलिए इसे लिखा गया है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत। तो ये इतना हो जाएगा। इसमें भी आपको याद रखना है, अगर आपने विलेय का आयतन ML में यूज किया है तो विलयन का आयतन भी आपको ML में यूज करना है, अगर आपने विलेय का आयतन लीटर में यूज किया है तो विलयन का आयतन भी आपको लीटर में यूज करना है। बस आपको याद रखना है, मात्रक जो होंगे दोनों के वो सेम होने चाहिए। तो अब इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है 25 ml एथेनॉल 200 ml जल में घोला जाता है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 25 ml एथेनॉल जो है वो 200 ml जल में घोला जाता है, तो यहाँ पर जो मात्रा कम होती है वो विलेय और जो मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाती है, यानी कि एथेनॉल यहाँ पर जो है वो विलेय होगा और जल जो होगा वो विलायक होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहले आपको विलेय का आयतन दिया गया है, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलेय, तो यहाँ पर विलेय जो दिया गया है आपको वो एथेनॉल दिया गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर एथेनॉल, तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर ये विलेय का आयतन हम लोगों को लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आयतन। तो अब ध्यान दीजिए, आपको विलेय का जो आयतन दिया गया है उसका मान दिया गया है 25 ml, इतना दिया गया है। इसके अलावा विलायक यानी कि जल दिया गया है आपको यहाँ पर, तो अब विलायक का आयतन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा विलायक यानी कि जल, इसका आयतन प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो इसका आयतन जो आपको दिया गया वो दिया गया 200 ml, तो यहाँ पर ये 200 ml जो है वो जल का आयतन हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसमें पहले विलयन का आयतन ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सूत्र आप प्रयोग करेंगे
विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन और प्लस विलायक का आयतन। तो यहाँ पर लिखा जाएगा विलायक का आयतन, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसमें हम लोग जब विलयन का आयतन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको दिया गया विलेय का आयतन, विलेय का आयतन है 25 ml, तो यहाँ पर 25 ml और प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन आपको दिया गया है 200 ml। जब दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा 200 और 25 मिल के हो जाएगा 225 ml। तो ये मात्रा जो आएगी ये विलयन का आयतन होगी। तो अब हम लोग इसमें आयतन प्रतिशत का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए जो अभी आपको बताया गया था, सूत्र होता है आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन यानी कि बट्टे में हो जाएगा विलयन का आयतन। तो यहाँ पर हो जाएगा विलयन का आयतन और गुणे में हो जाएगा 100। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए विलेय का आयतन यहाँ पर दिया गया है आपको 25 ml, तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा 25 और बट्टी विलयन का आयतन, इसका मान है 225, तो यहाँ पर हो जाएगा 225। बाकी ml दिया है तो ml दोनों का कैंसिल हो जाएगा और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100। ये इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसको अगर हम लोग 25 से कैंसिल कर दें तो 25 एकम 25 और 25 नवैया 225 यानी कि ये आ जाएगा 1/9 गुणे 100, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जब 9 से हम लोग 100 को भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान आएगा 11.11%। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आयतन प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी विधि है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ध्यान दीजिए इसमें दिया गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, या इसको बोलते हैं हम लोग W/V प्रतिशतता यानी कि वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशतता। तो अब ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो ध्यान दीजिए इसके पहले अभी आपको द्रव्यमान प्रतिशत बताया गया जिसमें आपको ग्राम में मात्रा जो है वो ग्राम में घुली होती थी। इसके बाद आपको आयतन प्रतिशतता बताई गई जिसमें आपको बताया गया ml मात्रा जो है वो ml में घुली होती है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए द्रव्यमान आयतन है तो इसमें द्रव्यमान जो होगा वो ग्राम में और आयतन जो होगा वो ml में। तो वही इसमें बताया गया कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो ध्यान दीजिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर जब सूत्र प्रयोग करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशतता या फिर द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम है, तो वेट बाई वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर हम लोग विलेय का द्रव्यमान यूज करेंगे। ध्यान दीजिए विलेय का द्रव्यमान और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा विलयन आयतन गुणे 100। तो ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए इसके पहले जो आपको द्रव्यमान प्रतिशत बताया गया था उसमें विलेय और विलयन दोनों का द्रव्यमान यूज किया गया था, और दूसरा आयतन प्रतिशत बताया गया था उसमें विलेय और विलयन दोनों का आयतन यूज किया गया था। इसमें यहाँ पर था द्रव्यमान आयतन, तो इसलिए यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन यूज किया गया है। तो अब इसका भी हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है 25 ग्राम शर्करा को जल में मिलाकर 250 ml विलयन बनाया गया है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें दिया गया 25 ग्राम शर्करा को जल में मिलाकर 250 ml विलयन बनाया गया। तो इस बार ध्यान दीजिए जो 250 ml दिया गया है ये सीधे विलयन का आयतन आपको दे दिया गया है इसमें, और बाकी 25 ग्राम ये आपको विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है क्योंकि दिया है इसमें 25 ग्राम शर्करा को जल में मिलाकर 250 ml विलयन बनाया गया है। तो यहाँ पर ये सीधे आपको विलयन का आयतन दिया हुआ है और यहाँ पर 25 ग्राम जो है ये विलेय का द्रव्यमान है।
तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, तो यहाँ पर आपको विलेय का द्रव्यमान जो दिया गया है वो 25 ग्राम दिया गया, तो विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा 25 ग्राम, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद आपको सीधे यहाँ पर विलयन का आयतन दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन आपको यहाँ पर दिया गया है 250 ml, ये इतना दिया गया है। तो अब इसमें हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, जो भी आपको बताया गया है, यानी कि वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत। तो इसका सूत्र आपको बताया गया था, विलेय का द्रव्यमान, तो यहाँ पर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान और बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन। तो यहाँ पर लिखा गया है विलयन का आयतन और गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100। तो अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो विलेय का द्रव्यमान आपको यहाँ पर दिया गया है 25 ग्राम, तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा 25। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ग्राम में दिया गया है आपको। इसके अलावा विलयन का आयतन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको यहाँ पर 250 ml, और गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें आप अगर इसको आप कैंसिल करते हैं 25 से, तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, और यहाँ पर आ जाएगा 25 दहम्मा 250, और गुणे हो जाएगा 100, इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर आप 10 से 100 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 दहम्मा 100, यानी कि ये आ जाएगा 10%। तो ये यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो बाकी की विधियाँ मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।